टू माई चैनल एंड माई नेम इज शायनी। सो गाइज, तो जैसे कि आप देख रहे हो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही बोल्ड एंड ग्लैम कलरफुल फेस्टिव एंड पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। एंड ये मेकअप आप ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक, तो काफ़ी सारे कलर के ड्रेसेस के साथ, आई मीन साड़ी, सलवार, गाउन, तो वेस्टर्न हो या एथनिक ड्रेसेस हो, आप बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मेकअप लुक गाइज। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, देन ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो चलिए गाइस, और ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है एंड मैंने लिप्स में लिप बाम भी लगा लिया है। सो आज मैं स्टेकवर की प्राइमर यूज कर रही हूँ एंड ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। एंड 500 रुपीज के अंदर कौन सा अच्छा प्राइमर है तो उसके ऊपर वीडियो है मेरे चैनल पे, तो लिंक आपको आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि व्हाई माय स्किन इज ब्रेकिंग आउट सो बैडली, तो मैं एक न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट मैं ट्राई कर रही थी। ऑफ कोर्स दिस इज माय जॉब एंड मैं आप लोगों के लिए हमेशा न्यू मेकअप एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो है वो मैं ट्राई करती रहती हूँ। एंड एज यू कैन सी गाइज, दिस इज नॉट वर्किंग आउट ऑन माई स्किन एंड दिस इज द रिजल्ट। सो या, सो नेक्स्ट मैं थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लूँगी क्योंकि जो पिंपल्स है वो रेड रेड है, तो इसके लिए मैं ग्रीन कलर का कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ टू न्यूट्रलाइज द यू नो रेड इफेक्ट। तो इसके लिए एंड थोड़ा सा ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एंड मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, तो अगर आप चाहो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट मैं फिंगर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो या, तो ग्रीन कलर का करेक्टर लेके मैं इस तरह से जो रेडनेस है उसको मैं न्यूट्रलाइज कर लूँगी। सो आपके अंडर आइज में अगर डार्क सर्कल है तो आप ऑरेंज कलर का करेक्टर भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट मैं मेरी स्किन कलर की कंसीलर लूँगी जो ज़्यादा जो ग्रीनिश जो इफेक्ट है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने देखा है कि मैं अगर डायरेक्ट कलर करेक्शन करने के बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँ तो मेरी फाउंडेशन जो ग्रीन कलर है तो फाउंडेशन को वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। सो दैट्स वाई मैं पहले थोड़ा सा मेरी स्किन कलर की जो कंसीलर है उसको मैं लेके थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देती हूँ एंड देन मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। सो मैं आज लैक्मी 925 की मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। इस इज़ अ न्यू फाउंडेशन एंड इसमें स्पैचुला है, सो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड देन मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ये फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये फाउंडेशन बहुत ही क्विक एंड बहुत ही ईजिली एंड स्मूथली ये ब्लेंड हो जाता है। एंड ये जो शेड है ये एग्जैक्ट मेरी स्किन कम्प्लेक्शन से मैच है, सो ये आई एम लकी। सो दिस इज़ नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन, ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन है, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे जो पिंपल्स है वो अभी भी विजिबल है, तो इसके लिए मैं इसको सेकेंड बार अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा और मुझे कवरेज मिले। लेकिन सेकेंड टाइम अप्लाई करने के बाद भी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी केकी या पैची नहीं लगता है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो नेवर एवर फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर नेक गाइस, क्योंकि अगर आप नेक में फाउंडेशन अप्लाई नहीं करते हो तो आपके फेस एंड नेक में एक डिफरेंस आ जाता है एंड इट लुक्स वियर्ड। तो इसके लिए हमेशा अगर आप फेस में फाउंडेशन अप्लाई करो तो नेक को भी मत भूलना। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग कंसीलर यूज करूंगी टू हाईलाइट माई अंडर आईज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो एंड चिन, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। सो ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, बट फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर एंड फीचर्स देने के लिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कंसीलर यूज़ कर लूँगी। एंड ये वेट एंड वाइल्ड का है एंड जो सारे प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। जो टाइटल है वीडियो का, तो वो टाइटल में अगर आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। एंड जो थोड़ा बहुत पिंपल स्पॉट्स विजिबल हो रहा है तो उसके ऊपर मैंने मेरी पहली वाली जो स्किन कलर की कंसीलर थी मेबलिन की, तो वो मैंने अप्लाई किया है एंड देन मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड मेक श्योर कि पिंपल स्पॉट्स को कंसील करने के लिए हमेशा स्किन कलर का कंसीलर ही अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट मैं लैक्मी 925 प्राइमर प्लस मैट कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से मेरे पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि मेरी कंसीलर एंड फाउंडेशन क्रीज ना करे एंड मेरी जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड फ्लॉलेस दिखे एंड लंबे समय तक सेट हो जाए। सो एंड ये लैक्मी 925 की प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन के साथ ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, दोनों फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट मिलके जो मेकअप है उसको एक फ्लॉलेस एंड एयर ब्रश स्मूथ फिनिश देता है विच लुक्स ब्यूटिफुल। सो लेट मी नो कि आपको ये लैक्मी 925 की जो फाउंडेशन है उसके ऊपर फुल रिव्यू वीडियो चाहिए या नहीं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई कॉम्पैक्ट पाउडर ऑन योर नेक। नेक्स्ट
आई एम फिलिंग माई आईब्राउज विथ मिस्कलर आईब्रो पेंसिल. तो इसके एक तरफ आईब्रो पेंसिल है एंड दूसरी तरफ स्पूली है. सो दिस इज़ रियली ट्रैवल फ्रेंडली एंड यूजर फ्रेंडली. सो अगर आपके आईब्राउज ब्लैक कलर का है तो आप डार्क ब्राउन या कॉफी ब्राउन तरह की जो कलर्स है तो उसको आप यूज़ कीजिएगा टू फिलिंग योर आईब्राउज. आज मैं निका की आई शेडो पैलेट की अंडर द सी जो पैलेट है उसको मैं यूज़ करूँगी फॉर माई आई मेकअप. सो पहले मैं ये जो लैवेंडर मॉवी शेड है उसको मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश के हेल्प से पिक करके मेरे पूरे आईलिड में एंड क्रीज के पास मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. नेक्स्ट एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से ये ब्राउन एंड डार्क ऑरेंज शेड को मैं मिक्स करके पिक करूंगी एंड देन मेरी क्रीज में मैं अप्लाई कर लूंगी एंड ब्लेंड कर लूंगी विद द मॉवी शेड. एंड कितना ज़्यादा डार्क या लाइट रखना है ये बिल्कुल आपके ऊपर है. दिस आई शेडोज आर वेरी मच पिगमेंटेड, वेरी स्मूथ इन ब्लेंडिंग. थोड़ा सा पाउडरी है बट बहुत ही ईजिली एंड ब्यूटिफुली ये ब्लेंड हो जाता है. नेक्स्ट एक और क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके ये जो ब्राइट ऑरेंज शेड है इसको मैं पिक करूंगी एंड क्रीज के ऊपर मैं ब्लेंड करूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड. एंड क्रीज में मैंने जो आई शेडो अप्लाई किया था तो उसकी जो एजेस है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. नेक्स्ट एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से ये जो सी ग्रीन शेड है इसको मैं पिक करूंगी एंड मेरी लोअर लैश लाइन में मैं अप्लाई कर लूंगी. अगेन मैं ये लैवेंडर मॉफ शेड को पिक करूंगी विद द सेम फ्लैट शेडर ब्रश जिसके हेल्प से मैंने आईलिड में अप्लाई किया था वो शेड को एंड जो ग्रीन शेड की जो एजेस है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. नेक्स्ट मैं फिंगर के हेल्प से जो ब्यूटीफुल ग्रीन शिमरी शेड है इसको मैं पिक करूंगी. दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो पिगमेंट गाइस. सो इसको मेरी आईलिड की सेंटर में मैं प्लेस करूंगी एंड हल्का सा मैं फिंगर के हेल्प से ही ब्लेंड कर लूंगी एंड दिस इज सो गॉर्जियस शेड गाइस. इट्स ऑसम. एंड ये जो निका के की आई शेडोज है तो इसमें बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता है चाहे वो मैट शेड हो या शिमर शेड हो. नेक्स्ट एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से ये जो रोज गोल्ड फॉइल काइंड ऑफ शिमर शेड है तो इसको मैं पिक करके मेरी आईज की इनर कॉर्नर में मैं प्लेस कर दूंगी एंड दिस शेड इज ऑल्सो गॉर्जियस शेड गाइज. इट्स ब्यूटिफुल. सो नेक्स्ट मैं एक स्मॉल विंग आईलाइनर क्रिएट करूंगी विद दिस पेन आईलाइनर एंड ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये आईलाइनर. तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो विंग आईलाइनर की थिकनेस क्या होगी ये बिल्कुल आपके ऊपर है. आप चाहो तो बहुत ज़्यादा थिन कर सकते हो या बहुत ज़्यादा थिक कर सकते हो. सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. सो अब मैं मेबेलिन न्यूयॉर्क की कलोसल मस्कारा मैं लगा रही हूँ एंड मस्कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आई मेकअप गाइज. तो अगर आप पूरे आई मेकअप करते हो लेकिन मस्कारा अप्लाई नहीं करते हो तो आपकी जो आई मेकअप है वो कम्प्लीट नहीं लगेगा क्योंकि आपके जो लैशेज है वो डिफाइन नहीं होगा इसके लिए. सो नेक्स्ट आप चाहो तो आप फॉल्स आईलैश अप्लाई नहीं भी कर सकते हो या कर सकते हो बट मैं फॉल्स आईलैश अप्लाई करूंगी क्योंकि फॉल्स आईलैश अप्लाई करने के बाद जो आई मेकअप है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. नेक्स्ट फॉर कंटूरिंग मैं आज निका के डुओ की कंटूर पैलेट में यूज़ कर रही हूँ एंड उसमें जो कूल ब्राउन शेड है तो उसकी हेल्प से ही मैं कंटूरिंग कर लूंगी. सो कंटूरिंग आपके फेस को एक स्ट्रक्चर देता है क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद फेस बहुत ज़्यादा यू नो फ्लैट हो जाता है. तो कंटूरिंग फेस को फीचर्स देता है, शेप देता है फेस को. एंड आपके अगर नोज यू नो थोड़ा सा ब्रॉड है मेरी तरह तो इसके लिए कंटूरिंग तो बहुत ही हेल्पफुल होता है. ब्लश अप्लाई कर लूंगी विद दिस बिग फ्लफी ब्रश. तो फ्लफी ब्रश से जो ब्लश है वो इजिली ब्लेंड हो जाता है एंड पूरे चीक में एक फ्लश ऑफ कलर आता है. सो ये ब्लश एक पिंकिश पीच कलर का ब्लश है विच इज एप्रोप्रिएट फॉर समर, मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग एंड आई थिंक फॉर ऑल सीजन.
नेक्स्ट मैं ये शैम्पेन कलर का हाइलाइटर पिक कर रही हूँ फ्रॉम दिस इन कलर हाइलाइटर पैलेट। एंड ये हाइलाइटर बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज्यादा ब्लिंकी ग्लो देता है, तो अगर आप सॉफ्ट ग्लो चाहते हो तो वो भी मिलेगा, और अगर आप एक ब्लिंकी ब्लाइंडिंग डिस्को लाइट टाइप ऑफ ग्लो चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। सो मैं मेरे पूरे फेस को हाईलाइट कर लूंगी विद दिस हाइलाइटर, एंड आई लव हाईलाइटर, एंड स्पेशली क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है सो आई जस्ट लव हाईलाइटर। जो इतना ज़्यादा पाउडरी मेकअप को यूज़ किया है तो उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए एंड हमारे मेकअप को और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड एक नेचुरल ग्लोई फिनिश देने के लिए हम अप्लाई करेंगे मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो आप चाहो तो आप मैट मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो या ग्लो या नेचुरल मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। तो ये मार्स की जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है ये नेचुरल फिनिश देता है। लास्ट में लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। सो ये पर्पल की मिनी लिपस्टिक है एंड ये जो पिंकिश पर्पल शेड है गाइस दिस इज सो ऑसम, जस्ट ब्रेथ टेकिंग शेड गाइस। एंड मैं जब भी ये शेड को वेयर करती हूँ मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड।